हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप MPL कार्ड पाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर MPL में जो कि कार्ड सीजन चल रहा है और यहाँ पर IPL के हिसाब से कार्ड का नाम रखा गया है, जितना भी टीम है उस टीम के हिसाब से वहाँ पर IPL कार्ड का नाम रखा गया है। तो देखो, अगर वो कार्ड आप पाना चाहते हो, यानी कि उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप यहाँ पर 10 लाख रुपये जीत सकते हो अगर आपके पास सारे कार्ड आते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फ्री में कार्ड लेने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को खोल लिया है, MPL एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आपको सबसे पहले हम कार्ड वाला ऑप्शन बताएंगे। उसके लिए देखो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके शुरू से अंत तक बताऊंगा। यहाँ पर आपको इस ट्रिक का अप्लाई करके आप फ्री में जितने भी कार्ड हैं सभी को ले सकते हो डेली की डेली इस तरह करके। तो यहाँ पर देखो ट्रिक, यहाँ पर शुरू से अंत तक आप पूरे वीडियो में बने रहना, यहाँ पर आपको एक एक करके सारा ट्रिक आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि कार्ड अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले करना क्या है, किसी भी गेम को एक सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले फ्रूट चॉप वाला गेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में आपको टूर्नामेंट होस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर ऊपर में देखो टूर्नामेंट होस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक टूर्नामेंट होस्ट करना है। अगर आप चाहें तो दूसरे गेम का भी टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी गेम अच्छा लगे किसी का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। जिसका भी गेम आप मतलब होस्ट करना चाहो टूर्नामेंट, उसका आप होस्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको टूर्नामेंट का नेम डालना, डालने का मन हो तो वो डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहे तो दूसरा गेम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा गेम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर जितने भी गेम होते हैं सभी का ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो दूसरे गेम का भी टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। और टूर्नामेंट होस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैसे फ्री में MPL कार्ड मिलेंगे वो अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, गेम सेलेक्ट करने के बाद नेम डाल देना। नेम डालने के बाद देखो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बताएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 रुपये वाला सेलेक्ट करना है। तो देखो, अभी यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी को सिर्फ आपको फॉलो करते जाना है, इससे आपका ज़्यादा फायदे हो जाएंगे। तो सबसे पहले 5 रुपये वाले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 5 रुपये वाले को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसका देखो यहाँ पर टाइम का ऑप्शन है, यानी कि आपको कुछ मिनट का, कितना मिनट का आप यहाँ पर टूर्नामेंट होस्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर टूर्नामेंट होस्ट को सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर 10 घंटे हैं, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना चाहो आप उतना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपका कोई भी फिक्स नहीं है, आप आधा घंटा का भी कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको MPL कार्ड चाहिए, उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस तरह करके यहाँ पर टूर्नामेंट को होस्ट करना है और यहाँ पर पहले गेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद टूर्नामेंट का नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर पैसे यानी कि अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घंटे सेलेक्ट करना है, ठीक है। घंटे सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर सबसे नीचे में आपको देखो टूर्नामेंट होस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी आपके पैसे अकाउंट से कटेंगे वो आपके वापस आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 5 रुपये जैसे मैंने आपको बोला था सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपके अकाउंट से 5 रुपये कटेंगे, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट का टाइम एंड होता है, यानी कि आप अगर आधा घंटा का रखेंगे तो आधा घंटा के बाद आपको वो सारा अमाउंट वापस मिल जाएंगे आपके MPL अकाउंट में, जितने भी आपके अकाउंट से कटेंगे। और हाँ, इसमें आप जितना का भी चाहे अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका अमाउंट 1 भी रुपये नहीं कटेंगे, सब आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होगा। तो किस चीज़ का ध्यान देना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर टूर्नामेंट होस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टूर्नामेंट होस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे टूर्नामेंट होस्ट करेंगे यहाँ पर एक टूर्नामेंट क्रिएट होगा। टूर्नामेंट क्रिएट होते ही वहाँ पर आपको एक कोड शो करेगा। तो कौन सा कोड है, पहले मैं यहाँ पर देखो पे कर लेता हूँ। पे करने के बाद यहाँ पर देखना, अभी तुरंत आपके सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर योर टूर्नामेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका देखो नीचे में आपको कोड दिख रहे हैं, ये कोड किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये कोड आप शेयर करते कर लेते हैं तो ये होगा क्या, अगर आपका फ्रेंड चाहे तो इस टूर्नामेंट में भाग ले लेगा, यानी कि कोड को एंटर करके। अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पर कोड डाल के इसमें एंटर करना होता है। तो इसको देखो आप शेयर भी कर सकते हो कॉपी करके, या फिर कहीं व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप कॉपी भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ से बैक आते हैं, और यहाँ पर जो कि बैक होने के बाद अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जो कि अगर वो कोड आप शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड आपके टूर्नामेंट में भाग ले लेंगे, और टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद आपका अमाउंट वो जीत सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ये कोड किसी को शेयर नहीं करना है, खुद से रखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में आपको एंटर टूर्नामेंट कोड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखो गेम के सबसे ऊपर में जहाँ पर टूर्नामेंट होस्ट का ऑप्शन है उसी के साइड में देखो, यहाँ पर आपको टूर्नामेंट एंटर का भी मिलेगा, और इस तरह करके आपका यहाँ पर टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर प्ले का भी ऑप्शन आ चुका है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर टूर्नामेंट में भाग लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टूर्नामेंट में कैसे गेम प्ले करना है और आपको यहाँ पर कैसे मिलेंगे एमपीएल कार्ड फ्री में, तो देखो यहाँ पर देखो आपको जो टूर्नामेंट होस्ट, जैसे कि मैंने बताया था एंटर कोड का, यहाँ पर अगर आप कोड डालते हैं यानी कि आपका फ्रेंड कोड डाल देता है तो वो इस टूर्नामेंट में भाग ले लेगा, और अगर टूर्नामेंट में भाग ले लेगा तो वहाँ पर आपका अमाउंट जो भी कटेंगे यानी कि वो हो सकता है वो जीत जाए और वो ज़्यादा रैंक करेगा तो उसका उसके पास वो पैसे चले जाएंगे, तो इसलिए वो कोड को शेयर ही नहीं करना है। तो चलिए हम अभी आपके सामने गेम प्ले करते हैं, और देखना अभी आपके सामने गेम प्ले करेंगे और इस ट्रिक से यहाँ पर जो कि एमपीएल का कार्ड भी मिल जाते हैं और वो भी आपको लाइव यहाँ पर आपके सामने प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे। तो थोड़ा देर आपको करना क्या है, कोई जिस गेम को यहाँ पर आप होस्ट करेंगे यानी कि टूर्नामेंट, उसको यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करना है। जैसे कि मैंने फ्रूट चॉप का किया था तो इसका यहाँ पर हम थोड़ा सा गेम प्ले करेंगे, क्योंकि अगर गेम प्ले नहीं करोगे भाई तो आपका यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा देर गेम प्ले करना जरूरी है। देखो यहाँ पर मैंने गेम प्ले किया, यहाँ पर सिर्फ आपको गेम प्ले करके थोड़ा देर खेलना है, ठीक है। एक दो बार जैसे आप जितना बार चाहो उतना बार खेल सकते हो, आप जितना टाइम का करोगे आधा घंटा एक घंटा दो घंटा आप खेलते रहोगे, और यहाँ पर आपको बराबर खेलते जाना है। और गेम खेलने के बाद देखो यहाँ पर आपको कार्ड मिल जाते हैं, तो देखो यहाँ पर तो मैं आपको खेल कर दिखा रहा हूँ, और अभी देखो इसमें क्या करेंगे, हम गेम को एंड करेंगे, इसमें स्कोर नहीं बनाना है, सिर्फ गेम प्ले करके आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा देर खेल के अभी गेम को ओवर करेंगे, ताकि अब जो हम आपको दिखाएंगे कि ये कार्ड कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, गेम को ओवर कर देते हैं। तो इसके लिए हम किसी बम को या फिर कोई फ्रूट, तीन फ्रूट को मिस करना होगा, तो चलिए हम बम को टच कर देते हैं जिससे कि ये गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, चलो काम खत्म हो गया और ये गेम ओवर हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा स्कोर दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो एक कार्ड मुझे मिल चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में, सिर्फ गेम प्ले करने के बाद। तो इस तरह करके देखो यहाँ पर KOL वाला कार्ड मुझे मिला है, और ऐसे ही सभी कार्ड आपको मिलेंगे अगर ऐसे आप बराबर रोज़ के रोज़ गेम प्ले करेंगे। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, फ्री में आपको टोटल कार्ड मिलते जाएंगे, और आप यहां पर बहुत ही ज़्यादा विन कर सकते हो, और जो भी कार्ड है उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, जैसे कि रिवॉर्ड क्लाइम, रिवॉर्ड में जाके उसको क्लाइम कर सकते हो, या फिर अगर आपको सभी कार्ड मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर 5 लाख या 10 लाख के जो कि लकी ड्रॉ चलेगा उसमें आप भाग भी ले सकते हो। तो है ना कमाल का ट्रिक। तो चलिए अगर आप इस ट्रिक से कुछ एमपीएल कार्ड पाना चाहते हैं तो जल्दी से इस ट्रिक का अप्लाई करो, और हाँ भाई बता दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे न्यू न्यू ट्रिक के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो स्कोर भी आपको शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी वीडियो को करेंगे समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर।